आज का नक्षत्र है अश्लेषा, और ये तीनों कहानी सांप से ही रिलेटेड है। तो देवता। पहला नागदेवता, ठीक है। तो पहला कहानी है वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की कैसे सहायता करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म के पश्चात वसुदेव जी उन्हें कंस से बचाने के लिए यमुना पार करके नंदगांव ले जाने लगे। उस समय यमुना का प्रवाह अत्यंत तेज था। अंधेरी रात में असाधारण तेज वर्षा हो रही थी और जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। वसुदेव ने टोकरी में कृष्ण को रखकर अपने सिर पर टोकरी को विराजमान कर लिया और यमुना को पार करने लगे। कृष्ण के पैर जैसे ही यमुना नदी के जल को लगे, यमुना नदी का प्रवाह कम हो गया। वर्षा से कान्हा का बचाव करने के लिए तब वासुकी नाग ने अपने फन फैलाकर बाल कृष्ण की रक्षा की। तो अश्लेष नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो नाग देवता होते हैं। तो अभी तक हमने जो देवी देवता देखे, जैसे अदिति देवी देखी या यमराज, अग्निदेव, तो इंडिविजुअल अकेले रहते हैं, ये सामूहिक देवता है नागदेव नाग देवी, एज अ ग्रुप देवर्षिप। तो बहुत सारे नागों की कहानी है, जैसे अभी वासुकी नाग की कहानी सुनी, फिर से शेष नाग होते हैं, तक्षक होते हैं, उलुपी होती है नाग कन्या जिन्होंने अर्जुन से विवाह किया था। तो बहुत सारी कहानियां हैं, इनमें से हम तीन ही ले रहे हैं आज, बाकी कहानियां कभी और करेंगे। इसमें अश्विनी दो होते हैं, जुड़वा होते हैं, बाकी सब एक ही रहे हैं। तो लेकिन वसुकी नाग ग्रुप में होते हैं, तो मतलब वो क्या एक ही होते हैं कि बस उनका वो नहीं एक होते तो नहीं नाग देवता को ग्रुप सामूहिक देवता माना गया है, उनमें से एक वसुकी नाग है। अच्छा, ओके। तो इसमें काफी प्रतीक भी आपने सुने ही होंगे, नागों की कहानी तो फेमस है ही, जैसे नागबणी बोलते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये सजगता और संवेदनशीलता का प्रतीक माना गया है, इन नागों की एनर्जी को। तो उस तरह का व्यक्तित्व होता है इन लोगों में। तो जैसे भी यहाँ पे जब कृष्ण को मदद चाहिए थी तो सबसे पहले वासुकी पहुंच गए, कोई और भी पहुंच सकता था, बस ये बहुत संवेदनशील लोग होते, तो इन्हें पता लग जाता है कि सामने वाले को क्या कष्ट है या क्या चल रहा है। तो ये दर्शाया गया कहानी में। फिर शेषनाग की कहानी भी हम आगे देखेंगे, जिसमें विष्णु जी विश्राम करते हैं। फिर अगली कहानी अभी जो आएगी उसमें वासुकी समुद्र मंथन में सहायता करते हैं। तो इनका जो शक्ति कहा गया है अश्लेष नक्षत्र का, उसको कहते हैं विष अश्लेषण शक्ति, यानी कि कुछ भी विघ्न आता है उसको वो विष अपने विष से खत्म कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, प्रॉब्लम को शुरू होते समय ही बढ़ने से पहले खत्म कर देते हैं। तो ये शक्ति इस नक्षत्र में है। दूसरी कहानी भी कर लेते हैं फिर और इसमें डीप जाएंगे। जब भी हम लोग सांप का बात करते हैं तो ऐसा मतलब ऐसा बोले जाते हैं कि वो व्यक्ति सांप है, मतलब वो धोखेबाज, उस टाइप का काफी नेगेटिव कोनोटेशन सांप के साथ जोड़ा गया है। बट इसमें तो आपने हाँ, पॉजिटिव तो जो तीसरी कहानी आएंगे उसमें नेगेटिव, जो पीड़ित अगर रहे अश्लेष नक्षत्र तो क्या होगा, तो स्टार्टिंग पहली दो में पॉजिटिव है। गुड नो। हाँ और दूसरा कहानी है वसुदेव वसुकी और शिव भगवान की। नागों के राजा वसुकी पाताल लोक में रहते थे। भगवान शिव के अन्य भक्त वासुकी उनकी पूजा में लीन रहा करते थे। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा के प्रचलन की शुरुआत नागों ने ही की थी। समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी ने मेरु पर्वत से लिपटकर रस्सी का कार्य किया था। एक तरफ दानव और एक तरफ से देवता उन्हें पकड़कर खींच रहे थे। इस दौरान नागराज बुरी तरह से घायल हो गए थे। संसार के कल्याण हेतु समुद्र मंथन के कार्य में इनके अतुलनीय सहयोग से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले में सुशोभित करने का वरदान दिया। वासुकी ने दानव त्रिपुरासुर को नष्ट करने में भी भगवान शिव की मदद की।
वह शिव के धनुष की प्रत्यंचा बन गए, जिसका उपयोग भगवान ने युद्ध में त्रिपुरासुर को मारने के लिए किया था। तो इसमें भी आपको जो भक्ति का डिवोशन का एस्पेक्ट मिल रहा है, सेवा का मिल रहा है, तो ये जो हाईएस्ट जब स्ट्रांग है अश्लेष नक्षत्र, तो ये सब अच्छे अच्छे गुण रखते हैं। और ये अभी तक जो तीन नक्षत्र हमने देखे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, तीनों में ही इस तरह का देखने को मिला है। और ये तीनों ही कर्क राशि में आते हैं। अच्छा, इसको अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो ये लोग काफी शरारती भी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। और इनका एक जो प्रतीक है वो लिपटे हुए नाग की है, कहीं आपने प्रतिमा देखी होगी तो नाग लिपटे हुए हैं। तो एक तो कुंडलिनी का होता है प्रतीक, मतलब आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार पर बढ़ रही है, उसका प्रतीक माना गया। दूसरा, इसको ये लोग बहुत ही इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व माना हुआ है, तो इसका भी ये प्रतीक है। करिश्मेटिक हाँ, करिश्मेटिक। और अश्लेष जो शब्द है उसका अर्थ ही आलिंगन होता है, एम्ब्रेस जो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बहुत ही ये, जैसे हमने बोला, संवेदनशील होते हैं, तो काफी जिनसे मित्रता रखते हैं उनके बारे में बिल्कुल सब पता है, बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्रता होती है। और जैसे रोहिणी में भी एनर्जी आई थी, वो दूसरों का समझ पाते हैं बिना बोले, और फिर उनके लिए बिना कहे कर पाते हैं। पर अलग फ्लेवर यहाँ अलग भी है, वो भी हम देखेंगे, पर ये सिमिलैरिटी भी है। और जल तत्व से इस नक्षत्र को रिलेट किया गया है, तो वही आकर्षण और कामुकता रहती है, एक बहुत ही मोहक इनका व्यक्तित्व होता है। फिर जैसे सांप टेढ़े टेढ़े चलता है, हाँ, तो ये बहुत ही टेढ़े चीजों को हैंडल करने का इनको स्किल होता है, ये कुशलता होती है। तो अब पुष्या में तो आप सीधे सीधे ज्ञान दे रहे थे, है ना, जो ज्ञान जिसको चाहिए वो आ रहा है, उसको आप ज्ञान दे रहे हो। तो यहाँ आप और कुशलता सीख रहे हो टेढ़ी चीजों से, टेढ़ी परिस्थितियों से, टेढ़े लोगों से डील करने का। कोई कुटिल है तो उसको कैसे संभाले, तो ये इन पे स्किल होती है। फिर किसी के सांप खजानों के रक्षक भी माने गए हैं, तो जैसे आप रामेश्वर मंदिर में देखोगे तो जहाँ जो द्वार खुले नहीं है उन पे सांप ही बने हुए हैं, और उन्होंने बोला है कि इसको खुलना नहीं है, अभी तक हजारों साल तक खुलेगा नहीं है। तो ये इनको रहस्यों से भी डील करना पड़ता है। तो इनके जीवन में खुद रहस्य होंगे, जहाँ जिस भी हाउस में अश्लेषा नक्षत्र है, और ये दूसरों के रहस्यों को कैसे संभालना है, ये भी इनमें कुशलता रहती है। और इनमें सिद्धियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि रहस्यों में इंटरेस्ट है, तो ये ऑकल्ट की तरफ भी इनका झुकाव रहता है, एकांत भी ये लोग पसंद करते हैं। और थोड़े वैसे स्वभाव के होते हैं, सोसाइटी से अलग, अपरंपरागत तरीके से जीते हैं, नॉर्मल नहीं होते, कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। टेढ़े ही, ये खुद भी थोड़ा टेढ़ी चाल से ही चलते हैं, तो क्या ये रिबेलियस रिबेलियस भी होते हैं? भी हो सकते हैं, पर काफी इनमें शक्ति रहती है अपनी संवेदनशीलता के कारण सिद्धियां हो सकती हैं, काफी काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व मिलेगा, और उस चीज का इनको बहुत गर्व भी रहता है। तो एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति प्रभावशाली कैसे हो सकते? जैसे आपने जो भी आप नेचर बता रहे थे वो काफी इंट्रोवर्ट नेचर का था, तो कोई इंट्रोवर्ट प्रभावशाली कैसे हो सकता है? प्रभावशाली इसलिए क्योंकि जो अपने में रहता है उसमें एक आकर्षण रहता है, कि चार्म रहता ही है ना, और इन लोगों में तो स्पेशली रहता है। तो आपने जो नाग कन्या की कहानियां सुनी होंगी, तो एक चार्म रहता है इन लोग। ये काफी स्कॉर्पियन एनर्जी नहीं है? स्कॉर्पियन इन द किस तरीके से? वो लोग काफी सीक्रेटिव होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी अट्रैक्टिव।
हाँ सिमिलैरिटी है, कर्क राशि में है, कर्क और वृश्चिक दोनों ही जल राशि होती हैं ना, तो वो सिमिलैरिटी है, पर स्कॉर्पियो में अलग भी चीजें दिखी जाती हैं। जैसे कि उनमें वो स्कॉर्पियो कभी डिस्कस करेंगे तो आएंगे, पर हाँ सिमिलैरिटी है, जल जल दोनों जल राशि होने के कारण से। फिर इसमें तीन स्तर के नागदेव बताए गए हैं, एक सांप के रूप में, एक आधा सांप और आधे मानव के रूप में, और एक जो पूरे मानव के रूप में है पर उनके चारों ओर सांप घूम रहे हैं। तो ये तीन लेवल ऑफ इवोल्यूशन बताया गया है इस नक्षत्र का। तो जो सांप के रूप में वो पीड़ित नक्षत्र का हो गया, और जो बिल्कुल मनुष्य के रूप में वो विकसित, जो अभी तक हमने बात करी। तो तीसरी कहानी देख लेते हैं, उसमें पीड़ित अगर नक्षत्र तो क्या होगा वो। तो तीसरा कहानी हमें क्या बताएगा कि जो जो भी सांप जो भी जिसका भी अश्लेष अगर पीड़ित है तो तो वो किस कैसा तरह से होते बिहेवियर। हाँ हैं। और तीसरा स्टोरी है कृष्ण और कालिया नाग का। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए, और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुंचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गुरुकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़ दौड़ यमुना नदी किनारे आए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वही नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियां ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर है, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग की श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और उसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। तो यही बता रहे हैं इस कहानी में कि या तो आप विष हर सकते हो लोगों का, या फिर विष फैला सकते हो। तो कालियानाग विष फैला रहे थे पूरे यमुना में, तो फिर कृष्ण को आके उन्हें रोकना पड़ा। तो पीड़ित है नक्षत्र, तो फिर इस तरह का इनका व्यवहार हो जाता है, इनकी ऊर्जा कम रहती है, बहुत ही क्रूर तरह का व्यवहार हो जाता है। और बुध बुध इनका ग्रह है अश्लेष नक्षत्र का, तो या तो बुध युक्ति देता है, तो या तो आप युक्ति से लोगों की हेल्प कर सकते हो, या फिर आपको फिर वो चालाक बना देगा। तो फिर जो अंग्रेजी में बोलते हैं, जो माइंड गेम्स खेलते हैं लोग, मैनिपुलेटिव टाइप होते हैं, वैसे हो जाते हैं ये लोग, तो ये खुद ही टेढ़े हो जाते हैं। तो दूसरों की टेढ़ी सिचुएशन हैंडल करने के लिए इनका खुद ही मन टेढ़ा हो जाता है। और इनकी वाणी भी आप देखोगे तो बहुत ही व्यंग होगा उसमें, जो सार्कैज़म बोलते हैं अंग्रेजी में। और बहुत ही जल्दी ये भड़क जाते हैं, कुछ भी इनको हल्का सा भी कुछ लगे तो ये वो प्रतिशोध की भावना बहुत रहती है, रिवेंज जो बोलते हैं। तो ये सब नेगेटिव क्वालिटीज हो सकती हैं अगर पीड़ित है। तो या तो बुध कमजोर है, या जो ग्रह वहां बैठा है वो कमजोर है, या फिर दुस्थान में है, 6-8-12 में है, तो ये पॉसिबल है। ये है आजकल का
नाक का डेफिनेशन। हाँ आजकल का ये है। तो तो मेरा मतलब ये सारे जब हरकतें किसी इंसान में आती है तो उसका कोई हाँ रीजन होता है क्या? क्योंकि इसमें इसने ये बताया था कि अगर मैं अपने अपने यहाँ वापस गया तो गरुड़ मुझे मार डालेगा, तो इनको भी किसी चीज का भय रहता है क्या, जिसके वजह से ये मैनिपुलेटिव हो जाते हैं? एक तो संवेदनशीलता काफी रहती है। अगर संवेदनशीलता बिना ज्ञान के है तो फिर बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं, एक तो ये पॉसिबल है। या फिर कुछ खराब अनुभव रहा हो तो फिर उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। अच्छा और भी कहानियां बहुत है नाग देवता नाग देवियों के ऊपर। अर्जुन महाभारत में आता है, अर्जुन नाग कन्या और लूपी शादी करते हैं। फिर आगे हम शेष नाग की भी देखेंगे, तक्षक नाग की अलग है, और भी बहुत है, इनकी बहुत कहानी है, बहुत ही फेमस और रोचक व्यक्तित्व भी इनका बहुत आकर्षक रहता है, तो कहानियां भी काफी आजकल अच्छी। लाइक वसुकी नाग की तरह है क्या, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन? हाँ होते हैं लोग जो इतने स्वामी ऋषि हैं और भी लोग हैं तो होते तो ही हैं, पर वो एकांत में रहना पसंद करते हैं तो शायद इसलिए ज्यादा पता नहीं लगता उनके बारे में। बट जब कभी हेल्प चाहिए होता तो देखा हम वो हाँ इनको पता लग लोग। जाता है सामने वाले को क्या दिक्कत चल रही है काफी जल्दी, तो वो अवेलेबल रहते हैं अभी इसमें चार्ट ऐसे। हाँ चार्ट्स देख लेते हैं तो यही है, जैसे एक दो चार्ट्स है जिनका लग्न ही आश्लेष नक्षत्र में, तो ये लोग काफी, जैसे हम बात कर ही रहे हैं, काफी संवेदनशील इनका व्यक्तित्व रहता है, लोग ही मदद करते रहते हैं। थोड़ा लग्न में ही है तो फिर गुप्त स्वभाव के रहता है कि वो अपना अपने बारे में इतनी आसानी से किसी से शेयर नहीं करेंगे, भले ही वो नॉर्मल चीज भी हो तब भी वो शेयर नहीं करते, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिर एक का लग्न और शुक्र भी वहीं पर है अश्लेष में, तो इनका शुक्र आ गया तो फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व, हम जैसे हमने बात की तो इनकी काफी कॉलेज में गर्लफ्रेंड रही हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। फिर जिस हाउस में वो देख सकते हो, जैसे एक जन का सेकंड घर में है तो फिर सेकंड अपने परिवार के प्रति तो संवेदनशील है ही, और पर परिवार में काफी सीक्रेट्स भी हैं, रहस्य हैं, जो कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो फ्लेवर आप गैस कर सकते हो, तो अफकोर्स मैं अभी बता नहीं सकता रहस्य है, उनके रहस्य उन तक उनके बाद ही रहने दें, पर जिस भी घर में है वहां संवेदनशीलता और एक कुछ ना कुछ गुप्त बात होने का चांस है। तो ये सब है, तो जिस भी घर में उस घर में आपको मिलेगा, और उस चीज में फिर ये कुछ ना कुछ अलग हटके ही करेंगे, मतलब नॉर्मल नहीं होगा, कुछ तो अनकन्वेंशनल होगा तो अगर किसी घर पे अश्लेष नक्षत्र है और उसमें केतु भी बैठा हुआ है तो फिर ये। केतु भी जो इसका कारक होता है ना, जो एक सिद्धि का कारक या संवेदनशीलता का, तो एनर्जी फिर और एम्पलीफाई हो रही। कोई एम्पलीफाई हो जाता हाँ है। हाँ बुध बैठा है तो बुध अपने ही नक्षत्र में है, ऑफ कोर्स उसकी अवस्था देखनी पड़ेगी, या ऑफ कोर्स गुरु है तो गुरु तो एग्जॉल्टेड है अभी भी कर्क राशि में, तो इसलिए सभी भगवानों के पास सर्प रही हैं, विष्णु जी के पास अश्लेष हैं, शिव जी के गले में वासुकी हैं, गणेश जी के भी उधर में सांप बना रहते हैं, तो सांप पाए गए हैं। और ये दोनों ही सांप, जैसे जो कृष्ण के साथ जो पहले सांप थे वसुकी, वो अपने में रहते थे बट उनको लगा कि इसको मदद का जरूरत है तो वो आते हैं। और वसुकी यहाँ इतने ज्यादा
इनटू सेवा है कि वो अपने आप को ही दे देते हैं लोगों, दानव और देवता को खींचने के लिए। हाँ काफी डिफरेंट स्वभाव। हाँ सेकंड काफी वाले एक्सट्रीम में जाने का स्वभाव रहता है, बहुत ही भावना में बह जाके फिर आप इस तरह का स्वभाव रहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति से आप मिले जिसका वसुकी नाग जैसा भाव हो सेवा को हाँ हाँ लेकर? मैं जानता हूँ कई लोगों को, एक जन का राहु है अच्छा, तो वो बहुत ही सेवा में लगने रहते हैं, बात भी फिर वो वैसे ही करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पूरा जीवन सेवा, लोगों की सेवा में हो जाए तो ये स्वभाव रहता है। और कालिया नाग वाला न, तो उसका तो भी क्रॉस हाँ नाग वाले नाग काफी है। और वसुकी वाले आपने जैसे बोला स्वामी जी, और हाँ एग्जाम्पल मतलब ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग अश्लेषा वाले लोग होंगे ही। एक है मेरे पचास जिनका गुरु है अश्लेषा में तो उच्च का होगा, और अष्टमेश है तो इस केस में अष्टमेश है तो वो सिद्धियां काफी लेके आ रहे हैं, तो सिद्धियां वगैरह हैं। नॉर्मल इंसान है, सीए भी है, जॉब वॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर सिद्धियां भी है अष्टमेश होने के कारण। कैसी सिद्धियां? वो तो कभी और चर्चा करेंगे। सिद्धियां बता दीजिए प्लीज। मतलब जैसे आप दूसरों के मन की बात पता लग जाती है लोगों को, या फिर प्रिमोनिशन जो फ्यूचर दिखने लगता है, ये सब होता है। मेरे को लगता है कि अगर इंसान कोई भी सेंसिटिव है तो उसको दूसरे के मन का बात पता लगी जाता है। जैसे यहाँ पर भी वसुदेव ने कुछ कहा नहीं था, उनको बस लगा कि कुछ अगर हेल्प मिल जाता तो वो शायद वो संवेदनशीलता यूज करके देन ही केम। वसुदेव ने बताया नहीं था बट उनको ऐसा महसूस हुआ और वो आया। दिस इज अ गुड सिद्धि टू हैव। या सब सब नक्षत्र में अलग अलग शक्तियां हैं, इनमें ही है। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग था। अभी तक एक पूरा साइकिल पूरा हो गया है नौ नक्षत्रों का, जहां हमने केतु से शुरू किया था अश्विनी नक्षत्र में, और अभी हम बुध पे आ गए हैं अश्लेष नक्षत्र पे। तो बुद्ध का इससे बुध क्या कनेक्शन है? ये काफी प्रैक्टिकल भी होते हैं, दोनों तरह की एनर्जी है, इमोशनल भी हो सकते हैं पर प्रैक्टिकल भी होते हैं। एक कुशलता रहती है बुद्ध से, कुशलता आ रही है कि परिस्थितियों को हैंडल करने की, जो टेढ़ी मेढ़ी परिस्थितियां आती हैं। तो वसुकी नाग वाले टेढ़े मेढ़े परिस्थिति को हैंडल कर पाते हैं अपने हाँ युक्ति से। हाँ हाँ अच्छा, बहुत ही स्किलफुल होते हैं, बहुत ही कुशलता रहती है। पुष्य में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे एनर्जी, यहाँ अब दुनिया में आके थोड़ा कुशलता सीखनी पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे, और फिर उस ट्रेनिंग से अगली साइकिल स्टार्ट होगी जो कि मघा नक्षत्र में होगी, ऑफ कोर्स केतु से ही स्टार्ट होगी, जिनके देवता पितृ हैं एंसेस्टर्स, तो वो भी सामूहिक देवता देवी देवता हैं, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।